हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से बकरीद मुबारक हो। तो ये हमारा बकरा है जो एक दिन पहले आया और सब बच्चों ने इसे बहुत घुमाया, टहलाया, बहुत कुछ इसे खिलाया और बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। लेकिन अल्लाह की राह में कुर्बान तो होना ही है, तो सब्र भी आ जाता है। यहाँ पे हम सब उसे पत्ते खिला रहे थे तो वो खा नहीं रहा था। अब यहाँ पे बकरीद का दिन आ गया। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत सिंपल सा आउटफिट कैरी किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बकरीद की ईद की तरह इतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती। ईद की ज़्यादा ही हम लोग तैयारी करते हैं, बकरीद पे इतना ज़्यादा नहीं रहता और ज़्यादा जाना भी नहीं होता। तो एक सिंपल सा बस कपड़े पहने हुए, ये देखिए, और एक ये बैंगल है और ये पैंट बनवाई थी मैंने थोड़ा डिज़ाइन देकर सिंपल सा। और ये भी छोटे छोटे से हमने टिकलेट्स पहने हैं जैसे कि मैचिंग के, और एकदम नेचुरल मेकअप रखा है। तो इस बार हमारे यहाँ बकरीद में बनी थी किमामी सिवई, आपको मैंने ईद में भी दिखाई थी। और बकरीद में एक डिफरेंट तरह की बनी हुई है, यहाँ पे काफ़ी ड्राई फ्रूट्स और खोया पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे दही बड़े बने थे जो कि वाकई बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर है मटर जो कि चटपटा था, और दही फुल्की बनी हुई थी, और यहाँ पे चटनी रखी हुई थी और इसमें दही रखा हुआ था एक्स्ट्रा, जिसे भी डालना है वो डाल के खा सकता है। और यहाँ हमारी कटलरी रखी हुई है और साइड्स में मसाला काजू भी रखे हुए थे। तो ईद से थोड़ा कम ही आइटम रहता है बकरीद में। आज तुम्हारी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है, कैसा लग रहा है तुम्हें अपनी ड्रेस? बहुत अच्छी लग रही है। जूतियाँ भी तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, और देखिए बैंगल्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। ये अफजिया है, इन्होंने पहना है ब्लैक कुर्ता विथ प्लाजो, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो ईफा है और इसका भी सूट कितना प्यारा लग रहा है, सिंपल एंड एलिगेंट। तो मेरे साथ मेरा कजन है आरिस, जो कि मेरा ही ब्लॉग देख रहा है। क्या देख रहे हो बेटा, दिखाओ। ये देखिए मेरा कुड़िया घाट वाला ब्लॉग चल रहा है। तो बोलो ईद मुबारक, बोलो मुबारक। ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। आज के दिन कुर्बानी होती है हम लोगों के यहाँ, तो कुर्बानी तो हो गई और आपको पता है मीट जो होता है उसको बांटा जाता है, तो वो भी हो गया। तो अब होता है ना कि आप कहीं जाना है, तो अभी मैं अपनी नानी के यहाँ जा रही हूँ, वो बुला रही है मुझे ईद के लिए मिलने के लिए, तो मैं वहीं जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। ईद के दिन देखिए पिज्ज़ा खाया जा रहा है। वेजिटेरियन लोग हम मटन खाते हैं, सिर्फ चिकन ना, चिकन लवर। पिज्ज़ा दो, चिकन। मम्मी चलो, मम्मी ने भी विश कर दिया बकरीद। तो इस टाइम हम अपनी नानी के घर आ गए हैं और आपको पता है इफ्ज़ा का एक बहुत अच्छा प्ले सेट है, किचन सेट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इफ्ज़ा का किचन सेट है, देखिए वाओ यार कितना क्यूट लग रहा है। बचपन में हमने भी बहुत खेला है, लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न वाला है। हम मिट्टी के बर्तन वाला खेलते थे, फिर प्लास्टिक, बट ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। क्या क्या है इफ्ज़ा दिखाओ इसमें, बहुत सारी क्या क्या है, थोड़ा खोल के दिखाओगी? ये देखिए एग, ओफो एग भी रखा है, और इसमें सॉस है जो प्रॉन, प्रॉन्स भी है देखे। अरे हाँ यार, और आइसक्रीम है, आइसक्रीम, वाओ बहुत क्यूट है यार। इफ्ज़ा ईद में ज्यादा अच्छा लगता है कि बकरीद? हमें तो ईद में ज्यादा अच्छा, सभी को ईद में ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें भी ईद में अच्छा लगता है। सब जगह जाओ मिलो, बकरीद में भी सब बुलाते हैं, लेकिन बकरीद में सबके घर में कुर्बानी होती है, तो सब पहले दूसरे दिन तो उसी में लगे रहते हैं, फिर इतनी थकान हो जाती है कि इंसान जा ही नहीं पाता। तो ईद ज़्यादा अच्छी लगती है, बकरीद है फेस्टिवल अपना तो करना ही है, लेकिन ईद की ज़्यादा ही एक एक्साइटमेंट रहती है। तो नानी के घर शीर कोरमा बना था और इमामी वाली सिवैयाँ बनी थी और दही फुल्की बनी हुई थी। मामी ने बोला था कि मैंने तीन चार आइटम्स बनाए हैं। शीर कोरमा ट्राई करना चाहिए, मेरी मामी ने बनाया है, कितना देखने ही में कितना लजीज लग रहा है, मैं ट्राई करके बताती हूँ। हम हर साल ईद और बकरीद मामी के शीर कोरमा ज़रूर खाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। शीर खाई और दही फुल्की, इतनी मज़े की दही फुल्की बनी है, खूब चटपटी स्पाइसी, जैसे मुझे पसंद है वैसी बनी है, बहुत अच्छी है। मैं इफ्ज़ा के रूम में हूँ और आपको पता है मेरी बहुत खातिर हो रही है। देखिए मेरे लिए क्या आया है, क्या आ रहा है मेरे लिए, कोल्ड ड्रिंक। ओफो
और ये क्या है? स्पेशल साउथ इंडियन स्नैक है, राइस मुरुक्कू। राइस मुरुक्कू, ओहो साउथ इंडियन। तुम्हें पता है मुझे पसंद है, इसीलिए लाई हुई है ना। अभी मैंने नीचे सिवई वगैरह खाई थी, चलो ठीक है अब ये खा ले। तो ये साउथ इंडियन स्नैक है और चाय के साथ तो ये बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अभी मुझे कोल्ड ड्रिंक के साथ मिला है ये, क्योंकि चाय का अभी टाइम नहीं, क्योंकि अभी डिनर होगा और मेरी मामी ने बना कर रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग मटन तो खाएंगे नहीं, लेकिन उसमें बिरयानी भी बनी है और वेजिटेरियन खाना भी बना है, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। फिलहाल अभी मैं ये खा रही हूँ और कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय कर रही हूँ। तो डिनर टाइम हो गया, यहाँ पे मामी ने शाही पनीर बना कर रखा था और साथ में रायता था, रोटी थी और पराठे भी थे, और उधर नॉनवेज रखा हुआ है, बिरयानी थी, कबाब थे, बाकी स्वीट आइटम्स रखे हुए हैं, उधर सैलड रखा हुआ है। तो मैंने शाही पनीर और पराठा खाया था और थोड़े से राइस ले लिए थे, और रायता भी बहुत अच्छा बना था, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ऐसे खाया था। तो शाही पनीर के साथ पराठा अच्छा लग रहा था, हम सभी ने खाया था। तो मुझे इफ़्ज़ा ने किचन सेट दिखाया, तो यहाँ पर अफ़्ज़िया भी अपना किचन सेट दिखा रही थी, पूरा सेम उसी की तरह था, तो ये दिखा रही थी कि देखिए मेरे किचन सेट में क्या क्या है, छोटी छोटी यार वाकई बहुत क्यूट किचन सेट है, और क्या नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है किचन सेट्स में। तो वही मैं देख रही थी, दोनों के किचन सेट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रूम में रखे हुए हैं, और एक छोटी सी फ्रिज भी दी हुई है इनके किचन में, जिसमें ये लोग कुछ ना कुछ रखे रहती हैं, जैसे इसमें चॉकलेट रखी हुई है। खाना वगैरह हो गया, तो मेरे मामू ने मुझे मीठे पान ला के दिए, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर सबको पान बांटा और खाया, वाकई पान बहुत मज़े का था। तो मैं अफ़्ज़िया से पूछ रही थी, बोली बहुत अच्छा पान है। आप सभी को बधाई की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये मेरी मामी है, जिनका शीर कोरमा मैंने आपको अभी दिखाया, और देखा आपने इन्होंने मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना कर रखी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग्स बनाती रहूँगी। थैंक यू।